बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, घोसी से दारा सिंह चौहान बीजेपी के प्रत्याशी बने, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाल ही में समाजवादी पार्टी के विधायक पद से इस्तीफा दिया, सीट रिक्त हुई, इसके बाद बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी ने एक बार फिर उन पर दावा आजमाया, दारा सिंह चौहान को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया। घोसी विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने ऐलान किया है। वहीं उत्तराखंड के बागेश्वर सीट की बात करें तो बागेश्वर से पार्वती दास को टिकट दिया गया है। तो यूपी उत्तराखंड विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी का ऐलान, प्रत्याशियों का ऐलान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घोसी उपचुनाव में दारा सिंह चौहान जो कि प्रत्याशी होंगे। हालांकि आपको बता दें कि 2022 चुनाव से पहले बीजेपी को अलविदा कर समाजवादी पार्टी में गया और उसके बाद वहां से घोसी से चुनाव उन्होंने लड़ा समाजवादी पार्टी के टिकट पर। लेकिन 24 चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर वो बीजेपी के खेमे में आए। समाजवादी पार्टी के विधायक पद से उन्होंने इस्तीफा दिया, सीट खाली हुई और इसके बाद बीजेपी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया। वहीं बागेश्वर की बात करें, उत्तराखंड के बागेश्वर सीट की, तो पार्वती दास को टिकट दिया गया है। और बड़ी खबर